हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पहवा बस स्टैंड से एक विवाहिता पति को बेवकूफ बनाकर फरार हो गई। आपको बता दें कि पति ने पहवा पुलिस थाने में शिकायत सौंप कर पत्नी को ढूंढने की फरियाद लगाई है। दरअसल जिला पटियाला के गांव में देवीगढ़ निवासी एक युवक अपनी 26 वर्षीय पत्नी को मायके से लेकर वापस अपने गांव लौट रहा था। वे पहवा बस स्टैंड पर पहुंचे तो पत्नी क्रीम लाने की जिद पर अड़ गई। जब तक युवक क्रीम लेकर वापस लौटा तो पत्नी गायब मिली। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी करनाल के गांव की सीतामई निवासी युवती के साथ वर्ष 2014 में शादी हुई थी। उसके बाद से उसके पास एक 4 वर्षीय का एक बच्चा भी है। आरोप है कि उसकी पत्नी का गांव में किसी युवक के साथ अफेयर चल रहा है। कई बार उसने अपनी पत्नी को समझाया भी, लेकिन उसकी पत्नी और उसके घर वालों ने उस पर ही उल्टे गंभीर आरोप लगा दिए। इतना ही नहीं, ससुराल पक्ष ने उसके खिलाफ करनाल पुलिस में शिकायत भी सौंपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।